मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। कुली का मतलब ये नहीं कि किसी का सामान उठाते हैं, कुली सब्जेक्ट है कि पहले बच्चे अनाथ होते थे, आजकल माँ बाप ही अनाथ हो जाते हैं और उनका बोझ उठाता है एक अनाथ आदमी। तो अगर इस फिल्म को देखकर अगर कोई भी आदमी जो माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं, अब उन्होंने अपने बाप सिनेमा, यही उद्देश्य है और एक अच्छी सिनेमा का हिस्सा हूँ मैं, इस बात की खुशी है मुझे। और मेरे तरफ से पूरी टीम को दिल से थैंक यू कि जो बिहार में किसी टाइप की सिनेमा लोग बनाते हैं, रिलीज करते हैं, तो हमने एक अच्छी सिनेमा बनाने की काम किया है। अगर इसको लोग पसंद करेंगे और ऐसे सिनेमा को बढ़ावा देंगे, देखने का काम करेंगे, तो शायद हर आदमी एक अच्छा सिनेमा बनाने का काम करेगा और पब्लिक तक पहुँचाने का काम करेगा। किशन जी, क्या जरूरत पड़ी कि आपको कुली बनना पड़ा आप फिल्म में? देखिए, कुली तो हर आदमी है, कोई समाज का बोझ उठाता है, तो कोई परिवार का बोझ उठाता है, तो कोई देश का बोझ उठाता है, तो कुली तो हर आदमी है। लेकिन कुली बनने का मेरा एक उद्देश्य था कि मैं गोविंदा जी से काफ़ी प्रभावित हूँ और मैं उनको अपना आइडियल मानता हूँ, तो उनका मैं सिनेमा देखा था, लेकिन उस सिनेमा से हटके सिनेमा है। हमने नाम रखा है, बोले कि कुली बच्चन साहब भी बने हैं, लेकिन उन्होंने समान का बोझ उठाया है, लेकिन मैंने इसमें उन बुज़ुर्गों का बोझ उठाया है जो जिनका कोई सहारा नहीं है, बेटा और बहू होते भी हुए भी वो विधा आश्रम में अपने जीवन को गुजारते हैं और अपनी खुशियों से दूर रहते हैं। मैंने उनका बोझ उठाया है और फिर उनको अपने बच्चों से मिलवाया है। तो जब एक समाज को आईना की ज़रूरत है, बस दिखाने वाला चाहिए, तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आईना बनकर समाज को दिखाने का काम करूं। और मेरे डायरेक्टर लाल बाबू पंडित सुरेंद्र जी, उसमें जो कोई एक्टर लोग हैं के काजल रघवानी जी, मैं और बहुत सारे एक्टर हैं, तो सबको दिल से थैंक यू कि सब ने बहुत अच्छा काम किया है और वो अनाथ विधाश्रम के बुज़ुर्गों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो और रियल हम लोगों ने अनाथाश्रम से, विधाश्रम से रियल बुज़ुर्गों को लाया था जो अपने बच्चों से दूर हैं, जो उन खुशियों से दूर हैं, जो दीपावली की खुशी होती है, जो छठ की होती है, जो होली की होती है, जो त्यौहार होते हैं, वो अपने बच्चों से दूर रह के कैसे फील करते हैं। उन्होंने रियल काम किया क्योंकि वो फीलिंग उनके अंदर थी, नहीं कि हम लोगों ने किसी एक्टर को इसमें प्रमोट किया, हमने विधाश्रम को ही प्रमोट किया और विधाश्रम के ही लोगों को लाया उस काम के लिए, ताकि उनको असली दर्द, बच्चों से दूर रह के उनको जो दर्द महसूस होती है, उस दर्द की पीड़ा को वो उस सिनेमा तक ले जाएं, ताकि उसको देखकर हर वो बच्चा, हर वो माँ, हर वो पोता अपने दादी अपने दादा से मिलने का काम करे और उनको भरपूर प्यार देने का काम करे। खेसारी जी, ये जो पिता माता पिता और बच्चों का जो रिश्ता है मेट्रो सिटीज में जिस तरह से हो गया है, जिस तरह का एहसास हो गया है कि अब रखना नहीं चाहते, रियल लाइफ में आपने कभी ऐसे कोई देखी है फैमिली? देखिए, मैं जो विधाश्रम से लोगों को, कम से कम 30-35 लोगों से जो हम लोगों ने जिनके साथ काम किया, वो भी तो किसी के माँ बाप ही है, ऐसा नहीं है कि वह ऐसा होता नहीं है। आजकल जो सोसाइटी है, हो सकता है जो हमारे माँ बाप पुराने ख्यालात के हैं और वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, उनको लगता है कि नहीं, हमारे बीच में रह के हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि आज वो बुज़ुर्ग हो गए हैं और हम उनके बच्चे हैं, लेकिन हमारे भी तो बच्चे हैं और हम भी किसी दिन बुज़ुर्ग होंगे। और हमारे साथ उसमें एक डायलॉग बोलता है कि एक लड़का है जो बोलता है कि वो तो ऐसे ही करते हैं, उनका यही आदत है, अगर पैसा चाहिए तो बोलो मैं भेज देता हूँ, उनका दवा बीरो करा देना। तो उनका देहांत होता है, उन्होंने एक बात शब्द बोली और आज भी मेरे मन में है कि बेटा, मैं रो रहे थे तो मैं बोला आप चाचा रोते रो क्यों रहे हैं, तो उन्होंने एक बात बोली कि बेटा मैं बात इसलिए रो रहा हूँ कि मैं तो इस विधाश्रम में अपने जीवन को काट लिया, पता नहीं मेरा बेटा ये समय और ये माहौल झेल पाएगा कि नहीं, मुझे इस बात की तकलीफ। वो आज भी मेरे मन में जहन में याद है कि एक माँ बाप वो मरते मरते भी, वो विधाश्रम में रह के भी अपने बच्चे के बारे में ही सोचते रहे वो, और वो गुजर जाते हैं। तो होता है, हमारे माँ बाप हमें से दूर होके हमें लगता है कि नहीं, अपनी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं,
लेकिन जितने कष्टों से हमारे माँ बाप हमें पैदा करते हैं, हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं, हमारी हर खुशियों के लिए वो मरते हैं, हर खुशियों को अपने निछावर करके हमारी खुशी की पूर्ति करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जब वो बुजुर्ग हो जाएं तो हम उनकी खुशी को ऐसे ही ख्याल रखें जिस तरह उन्होंने हमारे खुशी के लिए बचपन में ख्याल रखा था। लेकिन बहुत ऐसे कम लोग हैं, कुछ लोग हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी समाज बुरी है, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अमेरिका रहते हैं लेकिन उनके माँ बाप की वो ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, तो उनको वृद्धाश्रम लोग डाल देते हैं कि यहाँ पे उनका ख्याल और देखभाल अच्छे से होगा। लेकिन जो देखभाल अगर ऐसा ही हमारे माँ बाप ने ही किया होता कि नहीं अमानाथ आश्रम में डाल देते हैं, शायद वहाँ पे मेरा बच्चा बड़ा अच्छा से रहेगा, तो शायद हमें तकलीफ होती। उसी तरह उस माँ बाप की खुशी है कि अपने बच्चे के साथ जितना खुशी मना सकते हैं वो वृद्धाश्रम में नहीं और किसी और के साथ नहीं। फिल्म का नाम कुली नंबर वन रखने के पीछे यही रीजन था कि आप पूरे वृद्धाश्रम का बोझ उठाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम से दूर करते हैं। यस, कुली नंबर वन में क्या बोला कि सामान उठाना ही कुली का काम नहीं है। एक जो दुनिया जिसको बोझ समझती है, आखिर हमें जो सामान भारी लगता है तभी तो हम कुली रखते हैं, तो दुनिया जिसको बोझ समझती है, कुछ लोग जो बोझ समझते हैं माँ बाप के प्यार को, माँ बाप के जीवन को, उन्हीं को एक रास्ता दिखाने का काम कर रहा हूँ मैं कुली नंबर वन बन के। तो कोशिश हमारी है कि अगर एक दो भी बच्चा अपने माता पिता को अगर वृद्धाश्रम से घर लाते हैं तो शायद उस सिनेमा बनाना मेरा सार्थक हो जाए। केसरी जी, आप अपने माता पिता से कितने करीब हैं, क्योंकि आप भी बहुत समय नहीं दे पाते हैं उनको, आप भी शूटिंग में काफी व्यस्त रहते हैं। मैं मम्मी पापा को अपने पास ही रखना चाहता हूँ, लेकिन उनका जो माहौल है, उनका माहौल गाँव का है, उनको हमेशा गाँव में रहना चाहिए, उनको गाँव के लोगों से बात है, और जिस शहर में मैं रहता हूँ मुंबई शहर में, और मम्मी पापा आते हैं मेरे 5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आते हैं, रहते हैं, जब उनको लगता है कि नहीं मुझे गांव बाबू भेज दो अभी, क्योंकि हम थोड़ा सा उब गए हैं। होता क्या है कि यहाँ के माहौल, अब यहाँ टीवी ही एक आधार है, और बच्चे हमारे दोनों स्कूल चले जाते हैं तो आते हैं, फिर उनको ट्यूशन करना है तो वो भी उनको टाइम नहीं दे पाते, और मेरा हमेशा काम शूटिंग का होता है, तो अभी टीवी देख देख कर खुद ही बोर हो जाते हैं। कभी कभी बोलता हूँ कि आप घूमने चले जाइए, कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं मम्मी पापा को लेकर जाता हूँ। मैं वो जब दूर जाते हैं तो मैं बहुत मिस करता हूँ कि मैं जब शाम को स्टूडियो से आता हूँ तो खाना खिलाना, पापा के पास रहना, पापा के बातों को सुनना, उनके अनुभव को ऑब्जर्व करना, तो वो एक अलग मज़ा रहता है कि मम्मी पापा के आशीर्वाद लेकर सुबह निकलना, वो एक अलग खुशी देती है। लेकिन मेरे मम्मी पापा देहात के हैं तो पुराने ख्यालात के हैं, तो वो आते हैं 3-4-5 महीना रहेंगे फिर चले जाते हैं, बोले कि 2-3 महीना, क्योंकि हम लोग 7 भाई हैं तो उनको बाकी बच्चों का भी ख्याल रहता है कि मैं तो उसके पास जाना है, मुझे थोड़ा उसके पास घूमना है, उसके भी बच्चों से, तो सबसे वो मिलते रहते हैं, तो उनका 3-4 महीना लग जाता है टूर में सब बच्चों से मिलने में, 1-2 महीना गाँव रहते हैं और उसके बाद आते हैं तो मेरे पास रहते हैं। तो हमेशा कोशिश रहती है कि मैं माँ बाप के साथ रहूँ, लेकिन वो हमारा काम ही ऐसा है कि हम दुनिया के बेटे बन गए हैं, सिर्फ अपने माँ बाप के तो हैं नहीं, आज हमारे करोड़ों माँ बाप हैं जो हमारी जनता है, तो उनकी खुशी के लिए भी मुझे करना पड़ता है। तो कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने मम्मी पापा के साथ रहूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। मैं साल में 12 फिल्में तो नहीं, लेकिन अगर 10 फिल्में करता हूँ तो भी 10 फिल्मों के लिए काम करना, एक्टिंग करना, फाइट करना, डांस करना, शो करना, एल्बम गाना, बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक इंसान को करना पड़ता है, तो थोड़ा मेरे लिए टफ होता है। फिर भी मैं वक्त निकाल के मम्मी पापा से मिलते रहता हूँ और मम्मी पापा के पास रहने का काम करता हूँ। ओके, अगर गानों की बात करें तो एक आप पे और काजल पे फिल्माया गया गाना है लाल चुनरी, हरियर चुनरी। हाँ, उड़नी के रंग हरियर बतो, वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ, तो शूट करते वक्त क्या था वो गाना, आपको खुद इस फिल्म का क्या ऐसा लगता है कि वो इस यूएसपी होगी इस फिल्म की? नहीं नहीं, उसमें सारे गाने बड़े अच्छे हैं, उसके म्यूजिक डायरेक्टर श्याम आजाद जो हैं बड़े अच्छे से उन्होंने इस सिनेमा को प्रेजेंट किया है और गानों को प्रेजेंट किया है, और लाल बाबू जी गाने के साथ बहुत अच्छा शूट किए हैं, तो कोई लोकेशन ऐसा नहीं है कि उसमें बोरिंग लोकेशन है और रिपीटेशन लोकेशन है, हर लोकेशन को हम लोगों ने अलग अलग, और रांची में शूट किया है, कुछ कलकत्ता में शूट किया हम लोग, तो जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हम लोग शूट करने गए थे, और उड़नी के हर रंग हरी अरबल आगे लाइन क्लियर है, ये गाना एक अजीत हलचल हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्होंने लिखा है और बड़ा प्यारा लिखा है उन्होंने, तो इसीलिए जो आज की सिनेमा जो होती है लोगों को लगता है कि नहीं हम किस किस करेंगे तो सिनेमा हमारी चलेगी, हम स्मोच करेंगे तो सिनेमा चलेगी,
तो ये घर घर में देखने वाली चीज है। गानों जहां तक गाने के सवाल है तो हुड़दंग में लड़के बच्चे जब फालतू गाने होते हैं तो लोग देख लेते हैं सुन लेते हैं, अलग मैटर हो गया कि लेकिन ये तो परिवार की चीजें होती हैं जो घर में भी देखी जाती है, तो इस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। और जब से मैंने एक सिनेमा किया था मेहंदी लगा कर रखना, तब से उसके बाद में जितना भी काम कर रहा हूँ कोशिश हमारी यही रहती है कि समाज से जुड़ के समाज की भलाई जिसमें हो वही काम करे आदमी, सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं, जिसमें लोगों की खुशी है वही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। मतलब कह सकते हैं कि खेसारी लाल यादव की किसी भी फिल्म में हमें किसिंग सीन और ऐसे सीन देखने को नहीं, कोशिश हमारी यही रहती है कि मैं अपने तरफ से तो कुछ ऐसा ना करूं जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो, क्योंकि देखिए आज आइडियल है आदमी आने वाला भविष्य है और बच्चे जो आने वाले हैं सब हम लोग को देख कर आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा काम करना चाहिए जिससे आने वाली जो हमारी पीढ़ी हो वो कम से कम सुरक्षित रहे। खेसारी जी आप भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, आप अच्छे से समझते हैं फिल्मों को, क्या आपको लगता है सीरियसली कि अगर ये चीज़ें फिल्मों में भोजपुरी फिल्मों में नहीं डाले तो वो चलेंगी? बिल्कुल चलेगी। ये बताइए कि हमारे कहने का मतलब कि जहाँ मंदिर है वहाँ बेसिया खाना भी होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग मंदिर जाना छोड़ देते हैं, उस भगवान में आस्था लोग जिसके देखिए जिसको अच्छी चीज़ चाहिए वो तो अच्छी चीज़ें जरूर देखेगा, जिसको बुरी चीज़ चाहिए आप लाख मंदिर डाल दीजिए लेकिन वो अपनी जगह ढूंढ ही लेगा। तो हमारे कहने का मतलब कि जहाँ स्वीट मिलता है वहाँ तो मटन चिकन की भी दुकान होती है, लेकिन जिसको स्वीट खाना है वो तो स्वीट खाएगा, तो हमारी इच्छाएं के ऊपर होती है जो मनोरंजन किस टाइप के चाहते हैं। तो इसके लिए अच्छी चीज़ों के लिए खुद को भी बदलना ज़रूरी होता है। मैं और आम पब्लिक से भी कहूँगा कि आपको भी अगर अच्छी चीज़ चाहिए तो अच्छी चीज़ों के लिए बढ़ावा आप सबको देना पड़ेगा, आप देंगे तो शायद ये दुनिया हर आदमी और आने वाला भविष्य, अगर आप अच्छी चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, आप रामायण महाभारत पढ़ेंगे तो वही चीज़ें आप अपने बच्चों में डाल सकते हैं क्योंकि उसका ज्ञान आपको है। अगर आप गलत चीज़ों पर ध्यान देंगे, गलत चीज़ें गलत सिनेमा देखेंगे, गलत गाने सुनेंगे, गलत बातें सुनेंगे, तो आप वही ज्ञान अपने बच्चों में भी दे सकते हैं और देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि हमारे अंदर जो होती है वही हम अपने बच्चों में देखते हैं और हम अपने बच्चों में डालने का काम करते हैं। तो हम रामायण पढ़ेंगे तो अब इसलिए हम अपने बच्चों को रामायण की बातें बताएंगे क्योंकि हमें वो जानकारी है। तो मैं चाहूँगा कि हर आदमी को बदलने की ज़रूरत है, सिर्फ मेरे बदलने से दुनिया नहीं बदलेगी, बस हमने कोशिश की है, बाकी देखिए कुछ तो अच्छा होगा ही। ओके, लास्ट दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे अपनी फिल्म कुली नंबर वन? कुली नंबर वन एक पारिवारिक फिल्म है और गाने सारे अच्छे हैं उसके, तो और एक समाज की आईना है कुली नंबर वन। तो मैं बस आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि अच्छी फिल्मों को अगर आप बढ़ावा देंगे तो हर आदमी अच्छा सिनेमा करेगा। और जो अश्लीलता की बातें हर मीडिया कर्मी आप लोग भी पूछते हैं, और जाहिर सी बात है आपको लगता है कि अश्लील है तो आप पूछते हैं, तो मैं आपको भी दोषी नहीं बना सकता। और हम कितनी सफाई देंगे, तो उसमें आप सबको यही करना है कि जो अच्छी सिनेमा हो, जो अच्छे मेकर हों उनको और अच्छे हॉल में जाकर आप देखिए ताकि बढ़ावा मिले और अच्छा सिनेमा हमारे प्रदेश को हमारे भाषा को मिले। तो एक कुली नंबर वन जो सिनेमा है वो एक कुशल पारिवारिक और एक समाज की आईना है, तो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी उस आईना में अपना चेहरा देखने का काम करेगा तो ही वो आईना का रहने का मतलब समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। खेसारी लाल यादव को डर लगता है बॉलीवुड के सलमान खान शाहरुख खान के साथ हमेशा लड़ते रहते हैं, फिल्में रिलीज करते रहते हैं, बॉलीवुड कैसे ऐसे बड़े बड़े हीरो जो उन लोगों के सामने टकराते नहीं है? अभी आपकी फिल्म जो रिलीज हो रही है वो भी सलमान की फिल्म के भारत के सामने आ रही है। उनकी पब्लिक और हमारी पब्लिक सब एक है, जिसको जो पसंद है। मैं क्या बोला कि दुकानें तो मार्केट में बहुत होती है, लेकिन हर दुकान कहीं ना कहीं तो चलती ही, लेकिन किस दुकान पे कितना भीड़ होता है ये प्रोडक्ट के ऊपर होता है कि हाँ किसके प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। तो हमने जो प्रोडक्ट दिया है हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमने समाज से हटके और समाज के लिए एक आईना तैयार किया है। हो सकता है कि लोगों के लिए बाकी सिनेमा में मनोरंजन हो और आईना नहीं हो, वो सिनेमा हो लेकिन एक समाज से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत कम बनती है। तो सलमान खान से डरना क्या है मुझे, हमारी पब्लिक और हमारी जनता हमारे लिए भगवान है और हमें जो प्यार करते हैं वो किसी के आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सलमान जी अपने जगह पे कुशल हैं, मैं अपने जगह पे कुशल हूँ, बाकी हर आदमी अपने जगह पे कुशल है, और मुझे टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है कि मैं सलमान से तकड़ा रहा हूँ, तकड़ाता कोई नहीं है। हर आदमी अपने चीज़ों को रखता है, जिसकी चीज़ें खूबसूरत होती है कहीं ना कहीं उसको उपलब्धि मिलती है
और वो दुनिया में अपना नाम करता है। खेसारी लाल और सलमान खान की फैन इस बार लड़ते रहते सोशल मीडिया पे। नहीं, देखिए मैं सबसे अपील करूंगा, आप सबसे अपील करूंगा कि जो सलमान भाई के सपोर्टर हैं चाहे मेरे सपोर्टर हैं, जो भी मुझे, हम दोनों को प्यार करते हैं, हम दोनों आपके बेटे की तरह हैं आप, और आप लोग हमारे गार्जियन स्वरूप हैं। आप लोगों को जो अच्छा लगे, किसी के लिए किसी को गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप लोग अपने स्टार के लिए किसी को गाली देकर अपना मुँह क्यों खराब करेंगे, क्योंकि आपको भी कभी ना कभी इस जगह पर आना है, आपको भी समाज से जुड़ना है, तो कल चल के आपको ये ना लगे कि मैंने किसी को गाली दी। तो मैं यही कहूँगा कि आपको किसी को गाली देने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है, आपका भाई, आपका बेटा खेसारी या सलमान भाई, जो अच्छा लगता है, बस सत्य मैं यही कहूँगा कि जो समाज से जुड़ी ही चीज़ होती है उसको आने वाली पीढ़ी को आप बताने की कोशिश करेंगे, तभी जब आप उस सिनेमा को देखेंगे, आप उस रामायण को पढ़ेंगे, आप उस गीता से जुड़े रहेंगे, तो अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देंगे, तो शायद हर आदमी गीता बेचने का काम करेगा, और नहीं तो फालतू की सरल सलील तो बिकता ही है, तो उसमें तो क्या करिएगा, उसमें तो बहुत सारे पोस्टर होते हैं, तो आप खरीदिए तो आप अपने बच्चों को क्या बताएगा, बेटा मैंने पूरे जीवन सरल सलील पढ़ा है, ऐसा नहीं, ठीक बोला हूँ ना, सरल सलील। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।